नहीं नीचे नहीं लेना, नहीं ऊपर आ जाओ अब। राजा थे, डाल बाल और ये सभी भाई थे, इनको मोहम्मद सरकी ने आज के दिन होली के दिन मारा था। क्योंकि पासियों का क्या था कि होली के दिन मांस मदिरा में व्यस्त हो जाते थे, जो ब्राह्मण इनका गेटमैन या चौकीदार या सैनिक जो भी है उसने दूसरा किला खोल के आक्रमण करवा दिया था, तो इन लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला था, मार दिए गए, सैनिक मारे गए, राजा साहब पराजित हुए और उनके बाद जो कि रानियाँ और जो बची थी उन्होंने अपना अग्नि में अपनी आहुति दे दी कि उनके हाथ मुसलमानों के ना लगे। यहाँ ये बात फैलाने की बात है कि हाँ राजा डंडे उपासी, अब किले में देख रहे हो यदुवंशी लिख दिए, तो हर क्या कि पहले यहाँ एक भी आदमी वहाँ बोलने वाला ना रहा होगा तभी लिखा गया, एक भी आदमी ना बोलने वाला रहा होगा कि नहीं भैया इनका इतिहास ये है, ये पासी थे, तो जिसका शासन जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, सुहेल देव के ऊपर देख लें भैया, उनको कोई ठाकुर वैश्य और वो राजभर जी हैं, वो राजभर घोषित करने में लगे हुए हैं इतिहास के साथ। इतना जब पढ़ते थे पाँचवें छठवें में गए हैं तो एक कोई लाखन पासी थे जिनके द्वारा लखनऊ बसाया गया, आज इतिहास से क्या किताबों से गायब हो गया, हम लोग पढ़ा है एक कोई लाखन पासी है, बताया जाता है लाखन लखनावती लखनऊ, चार बार नाम बदला गया है लखनऊ का, लेकिन अब वो इतिहास से गायब हो चुका है। एक वो कौन सी रॉयल होटल है कौन सी है, उसके सामने पार्क में लिखा हुआ है लक्ष्मण, लखनऊ के निर्माता लक्ष्मण पार्क, वहाँ अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, हम पढ़ते थे वहाँ ग्रेजुएशन वहीं किए, वहाँ देखा वहाँ पार्क में लखनऊ लक्ष्मण जी के पार्क से घोषित कर दिए कि जो वास्तविक निर्माता लक्ष्मण लखनऊ के। इस तरह हमारी इतिहास को दबाया जा रहा है, इतिहास है नहीं अपना समाज जो है, कहीं भी अगर मीटिंग हो कुछ भी हो वहाँ बता दें कि दारू बटेगी पहुँच जाए, लेकिन अपने समाज के बारे में फिर तरह तरह के बहाने ढूंढ के लोग निकल जाते हैं, ये अभी दुर्भाग्य है। आज होली खेलने में व्यस्त हैं लेकिन इस तरह उनको बताओ अरे खेल चले आए हैं पहले से तो हम कैसे आज छोड़ देंगे, हम अपनी तरफ से किसी को रंग नहीं लगाते ना होली अपनी तरफ से, कोई आया है उसे तो धमका तो सकते नहीं, वो भी अपने होगा लगाया चलो ठीक है मिल लिए बस, इतना करते हैं होली में, हम अपने परिवार को एक पाखंडवाद से और अंधविश्वास से निकाल दिया बस, मेरे को इतनी खुशी है कि हम अपने परिवार को निकाल दिया है। तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उसके बाद उससे जो बड़े हैं उनको पादर चरण स्पर्श, और मेरे नौजवान साथी जो कि यहाँ पर हरचंदपुर से और दूर दूर से आए हुए हैं, ये बहुत ही नमन सल्यूट करने वाली बात है कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, इतने जानकार हैं, जागरूक हैं और पाखंड के खिलाफ और समाज के प्रति समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। नहीं तो आज ये ऐसा त्यौहार है हो हुल्लड़ वाला, हालांकि निंदा केवल निंदा ही नहीं की जा सकती है कि हम हो हुल्लड़ वाला ही है, इस त्यौहार ने लोगों को एक भी किया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल होता है होली में उस माहौल को आप लोग छोड़ के जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि डलमऊ की धरती को नमन वंदन करते हुए महाराजा डालदेव पासी की चरणों में सर धरासमन अर्पित करते हुए आज इस शहादत दिवस के अवसर पर हमारे बीच में सच्चिदानंद वर्मा जी, राम प्रताप रावत जी, अहरवा पासी जी, दीपक कुमार पासी जी, रंजीत कुमार पासी जी, अरविंद कुमार पासी जी, नितेश रावत जी, संदीप पासी जी, रामधार रावत जी,
और यहाँ पर सब बैठे सभी लोग भाइयों एवं नौजवान साथियों साथियों की जैसा अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि इस क्षेत्र के राजा डालदेव पासी जी शक्तिशाली धनबली बाहुबली हर तरह से संपन्न सक्षम राजा थे और जब वो राजा इस क्षेत्र में राज करते थे उनका शासन काल था तो यहाँ की प्रजा इतनी खुशहाल संपन्न एवं अपने को सुरक्षित महसूस करती थी। साथियों उसका नतीजा है कि 1440 में के लगभग में राजा साहब का आज ही होली के दिन ही जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह सरकी ने 17 बार आक्रमण किया 17 बार महाराजा डालदेव पासी से युद्ध हुआ और 17 बार वो हार का सामना उसको करना पड़ा उस बादशाह को इब्राहिम को। 18वीं बार उसने गुप्तचरों से पता लगवाया कि राजा साहब की कमजोरी क्या है तो उनके गुप्तचरों ने बताया कि होली के दिन उनके सिपाही सैनिक और राजा साहब दारू शराब मदिरा पी के अपना होली का त्यौहार मनाते हैं जिसमें सभी लोग इधर उधर मौज मस्ती में रहते हैं। साथियों तो उसने होली के दिन चुना और होली के दिन ही आक्रमण करने के लिए ठाना। तो होली का दिन था, होली के दिन राजा साहब के सैनिक बहुत सारे सैनिकों को छुट्टी दे दी गई थी कि आप जाइए अपने घर पर होली का त्यौहार करिए। कुछ चंद सैनिक यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है सैनिक छावनी है, कुछ सैनिक उधर थे, राजा साहब इधर थे और यहाँ एक बघेल करके उनका सेनापति था वो जाकर वो बादशाह के हाथों लालच में आ गया और रात में दरवाजा जो इधर ही गेट लगा था वो गेट का ताला खोल दिया और उधर से इब्राहिम शाह सरकी की सेना अंदर घुसाई लेकिन फिर भी राजा साहब लड़े। उधर से सैनिक आए, इधर से आए, लड़ाई होती रही लेकिन राजा साहब यहाँ से लड़ते लड़ते उसकी इतनी ज्यादा सेना थी कि लड़ते लड़ते यहीं पर सूरजपुर गाँव है साथियों वो सूरजपुर गाँव तक लड़ते लड़ते गए फिर लेकिन धोखे से पीछे से किसी ने वार कर दिया, राजा साहब की वहीं मृत्यु हो गई। राजा साहब का पीछे से जब वार किए तो राजा साहब की गर्दन कट के बड़ी दूर जाकर गिरी लेकिन राजा साहब दोनों हाथों से कम 1 मिनट तक चलाते रहे। गर्दन कटने के बाद 200-2500 लोगों के सर धर से अलग किए उनका। इस तरह के पराक्रमी राजा हमारे समाज में जन्मे हैं साथियों। और ये लड़ाई का कारण आपको बता दे कि बाबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बाबर इस देश का बादशाह हुआ करता था। बाबर की बहन नगमा इसी गंगा के रास्ते से अपना घूमते घूमते सैर सपाटे पर निकली थी। अब बादशाह था वो, उसको किसी बात का इस देश में डर तो था नहीं और हमारे राजा साहब भी किसी से अपना को कम नहीं समझते थे तो यहीं पर 10-12 किलोमीटर आगे राजा साहब और उस बादशाह की बाबर की लड़की नगमा से मुलाकात हुई। वहीं पर अपना छेड़छाड़ हुआ, जो भी हुआ जैसा जैसा लोग बताते हैं कि उनको नगमा को राजा साहब ने छेड़ दिया था तो नगमा यहाँ से जाकर अपने पिता बाबर से बताया। बाबर ने जब दिल्ली जाकर नगमा ने अपने पिता बाबर को बताया तो बाबर अपने सहयोगी बादशाह थे जौनपुर के इब्राहिम शाह सर की उनसे कहा कि ये कौन सा राजा है और आपके क्षेत्र में हमारी बेटी के साथ ऐसे ऐसे छेड़खानी किया है और उसको देखिए उसको राजपाट नष्ट कीजिए। तब जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह सरकी ने 17 बार आक्रमण किया था। साथियों इन इस शो आपको देख रहे हैं स्वरूप इस तरह से हमारे समाज का उत्पीड़न होता रहा। जब से हमारा लोगों पर राजपाट गया है तब से निरंतर हमारा समाज रसातल पर दिन पर दिन चला गया। उसके बाद मुगुल के बाद अंग्रेजों के बाद आज तक भी आज़ादी तो कहने के लिए है कि आज़ाद हमारा देश हो गया। हम तो कह रहे हैं कि अगर आज देश आज़ाद हुआ है लेकिन हम लोग अभी आज़ाद नहीं हुए इसलिए कि हम लोगों को ना तो अभी बराबरी का अधिकार मिल रहा है, ना आरक्षण सही से मिल रहा है, ना हमारे समाज की शिक्षा दीक्षा के प्रति सरकारें अपना सोच रही हैं। सिर्फ
वही चुनाव के समय हमारे समाज को पूछा जाता है, चुनाव के बाद कोई पूछने वाला होता नहीं है, चाहे वो हमारे समाज के प्रतिनिधि भी बन कर जाते हैं, वो प्रतिनिधित्व वहाँ सदन में नहीं कर पाते हैं, ना समाज की बात रखते हैं, वही चाटुकारिता और वही अपने स्वार्थ के लिए काम किया करते हैं। और हम आपको बताएंगे इस किले की विशाल भव्यता क्या है कि जो यहाँ पर ये देख रहे हैं कड़िया टाइप की, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी मानेंगे राजा साहब का नाम लेकर, तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को मानना है। देख लीजिए दीवालों में सब लोगों ने अपना अपना मनोकामनाएं मांगा है, जिनका भाई पूरा होता है तो लोग कहते हैं कि जब उनकी मनोकामना पूर हो जाती है तो ये जो कड़िया है आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, इसमें 3-4 लीटर, आप सोचेंगे 5 लीटर 10 लीटर, लेकिन आज तक इस कड़िया को कोई दूध से भर नहीं पाया, लेकिन जिसकी मनोकामना होती है इस कड़िया में दूध डालने का काम करता है। इसको भरने का प्रयास बहुत लोगों ने किया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी आज तक है कि इसको कोई भर नहीं पाया है, वो चाहे जितना दूध लाए, और इसमें कहीं छेद वेद कुछ नहीं है, लेकिन ये यहाँ की मान्यता है। लोग यहाँ पर अपनी आस्था प्रतीत करते हैं, हर हफ्ते यहाँ पर मेला लगता है, हर दिन प्रतिदिन अभियान लोग भी आए तो 4-6 लोग बैठे थे, तो ये हमारे यहाँ क्षेत्र की विशेषता है। हमारे राजा साहब के किले की जो विशेषता है, इधर से वहाँ चले गए 14 बीघे में तो अभी ये है, खैर हमारा किला सुरक्षित, लेकिन जो वर्तमान की सरकारों ने इसी किले पर देख लीजिए सिंचाई विभाग के नलकूप वगैरह बना दिए, कॉलोनी बना दिए, ये जो नहर आप देख रहे हैं गंग नहर बनाए हैं, ये बीच किले सब किले से फाड़ कर बनाया गया, इसके उस तरफ भी जो वो गांव बसा वहां तक ये राजा साहब का पूरा एक किला हुआ करता। समय का चक्र है कि अब हमारे समाज के जब तक कमजोर कर दिया गया तो हमारे समाज के लोग बोल नहीं पाए। एक यहाँ पर यादव जी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने एक मूर्ति राजा साहब की उसमें लगवा दिया, शिलापट में उसमें किसी ने लिखवा दिया, शिलापट में लिखवा दिया कि यदुवंशी शिरोमणि महाराजा दल देव। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो एक नहीं दो नहीं हजारों पासी राजाओं के नाम गिना देंगे, कम से कम आज की डेट में रायबरेली में हमारे संज्ञान में 15 किले पासी समाज के मौजूद है जिनको मैं उंगलियों पर गिना सकता हूं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हजारों की संख्या में पासियों के अभी भी किले के रूप में अवशेष मिलेंगे आपको। एक बार हमारे साथ एक हमारे वरिष्ठ नेता है ओपी यादव जी, तो हम लोग गदागंज से जा रहे थे, तो गदागंज से जैसे ही गए हैं रामधार भैया, तो आपके गाँव से पहले एक किला पड़ता है, झील से क्रॉस करो तो एक ऊंचा ऊंचा भीटा मिलता है, तो उससे हमने पूछा यादव जी से भैया ये क्या है, तो कहें भैया ये भी पासी किसी पासी का किला था, इनका नाम हमको नहीं याद है, अब ये तो आपके गांव का मसला है, आप है डीह नरई के पास वो भी एक पासी का किला था, बछराज पासी ने बसाया, और आपका क्या कहते हैं शिवगढ़ शिवलाल पासी का बसाया हुआ है, जो ये राजा राकेश प्रताप सिंह इनके बाबा ने शिवलाल पासी को युद्ध में हराया, उसके बाद वो अपना किले पर कब्जा किया। इसी तरह तिलोई का जो है किला वो तिलक पासी ने बनवाया, उनके नाम से गांव, हमारे महापुरुष हमारे राजा महाराजा जहां हुए हैं जहां राज किए हैं उनके नाम से नगर बसे हैं, उसके साथ छात्र प्रमाण है उन्हीं के नाम से गांव नगर शहर बसे हैं। जैसे डालदेव पासी जी के नाम से डलमऊ इस नगर का नाम पड़ा, और इनके भाई छोटे भाई थे बालदेव पासी जो रायबरेली के राजा थे वो उन्हीं के नाम से पहले भारौली, उस रायबरेली का नाम था भारौली से बरेली, बरेली से रायबरेली, एक राय बीच में कोई आया तो रायबरेली जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब है हमारे राजा महाराजा जहाँ जहाँ भी थे जहाँ जहाँ वो राज किए हैं उन्होंने अपने नाम से अपनी हैसियत के हिसाब से नगर बसाया, अपनी हैसियत के हिसाब से कुआं इंदारा जो भी पहले खोदा जाता था, तो नाम कमाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत से समाज में परोपकार के काम किए, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश के साथ हमारा समाज ने इतना किया और आज हमारे समाज की ये इस स्थिति में इस देश के लोग साथ नहीं दे रहे, इन्हें सब जो साथ अपनी